अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव के आयोजन से संबंधित तैयारियों पर उपायुक्त कार्यालय सभागार में एक समीक्षा बैठक सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इस वर्ष शिवरात्रि महोत्सव 15 से 21 फरवरी तक पटेल मैदान में आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 15 फरवरी को महोत्सव का उद्घाटन तथा प्रथम जलेब निकाली जाएगी। उन्होंने कहा कि मध्य जलेब 18 फरवरी जबकि अंतिम जलेब महोत्सव के समापन पर 21 फरवरी को निकाली जाएगी। उन्होंने कहा कि इस अवसर को ऐतिहासिक व स्मरणीय बनाने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस महोत्सव के आयोजन के संदर्भ में सभी 10 विधानसभा क्षेत्रों में प्रचार प्रसार की विशेष व्यवस्था की जाएगी ताकि अधिक से अधिक लोगों की सहभागिता इसमें सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने कहा कि सांस्कृतिक संध्याओं का आयोजन 15 से 20 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा जिसमें स्थानीय व हिमाचली कलाकारों को प्राथमिकता प्रदान करने के लिए 3 संध्याएं इन्हीं कलाकारों के नाम रखी गई हैं। उन्होंने कहा कि 18 फरवरी को विशेष मंडी कला संध्या के माध्यम से मंडी के कलाकारों को प्रतिभा का प्रदर्शन करने का अवसर प्रदान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पहाड़ी संस्कृति को प्रोत्साहन व संरक्षित करने के लिए महोत्सव आयोजन समिति का यह प्रयास सराहनीय है। उन्होंने सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के माध्यम से प्रदेश के 4 जिलों कुल्लू कांगड़ा बिलासपुर तथा सिरमौर से लोक दल वहाँ की संस्कृति झलक दिखाएगी। लोगों ने मनोरंजन के लिए हिंदी पार्श्व गायक पंजाबी गायक व अंतर्राष्ट्रीय दल कजाकिस्तान से आमंत्रित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि शिवरात्रि महोत्सव में 16 फरवरी को बहुभाषीय कवि सम्मेलन तथा 18 से 20 फरवरी तक शास्त्रीय संगीत तथा नाटकों का मंचन किया जाएगा जिसमें स्थानीय नाट्य दलों को भी शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि शिवरात्रि महोत्सव में देवतागण ही इसकी शोभा होते हैं और इसके अतिथि सत्कार से लेकर ठहरने आदि की बेहतर व्यवस्था की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस बार लोक देवताओं पर आधारित विशेष आयोजन भी महोत्सव के दौरान किए जा रहे हैं। इसके अंतर्गत देवनाटी और सनोरबदार व सरास क्षेत्र के देवताओं को शामिल करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसमें देवताओं की झांकियां उनके ऐतिहासिक एवं आध्यात्मिक पहलुओं को दर्शाती कथाएं वार्ताएं एवं कहानियां इत्यादि शामिल हैं। युवाओं को देव संस्कृति से जोड़ने के लिए एक छायाचित्र प्रतियोगिता भी आयोजित की जाएगी और देवताओं से संबंधित बेहतरीन छायाचित्रों को प्रस्तुत भी किया जाएगा। इसके अतिरिक्त युवा देवताओं व देवालयों के साथ सेल्फी लेकर सोशल मीडिया पर भी अपलोड कर सकते हैं और देवताओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर उन्हें भी इस मंच पर साझा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि देवताओं की उत्पत्ति व परंपरा पर आधारित एक स्मारिका का भी प्रकाशन इस बार सर्व देवता कारधार समिति के सहयोग से किया जा रहा है। मेले के अवसर पर ग्रामीण दस्तकारी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इंदिरा मार्केट परिषद की छत पर सरस मेले का आयोजन किया जा रहा है जिसमें विभिन्न राज्यों से दस्तकार अपने उत्पादों का प्रदर्शन व बिक्री कर सकेंगे। उन्होंने मेले के दौरान आयोजित की जाने वाली जिला व राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं को प्रतिस्पर्धात्मक बनाने तथा इसमें लोक प्रिय खेलों को शामिल करने की भी प्रशंसा की। महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि शिवरात्रि मेला 2018 में सभी विभाग निगम तथा बोर्ड अपनी उपलब्धियों तथा नवीनतम जानकारियों से संबंधित प्रदर्शनियां लगाएं ताकि मेले में आए लोगों को सरकार की ओर से उन्हें प्रदान की जा रही सुविधाएं व कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त हो सके। उन्होंने कहा कि मेले के उपलक्ष्य में प्रकाशित की जाने वाली स्मारिका में विज्ञापन इत्यादि के सभी विभाग सहयोग करें और इसके लिए विभिन्न निगमों एवं बोर्डों से भी संपर्क किया जा रहा है। उन्होंने पिछले वर्ष पटेल मैदान स्मारिका विज्ञापन व शिवरात्रि योगदान एवं अन्य स्रोतों से हुई आय और व्यय का ब्यौरा भी लिया। उन्होंने मेले के पुरातन महत्व को बनाए रखने के लिए सभी के सहयोग की अपील की। महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि मेले के दौरान शहर में उचित सफाई व्यवस्था की जाए, विशेष तौर पर स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था संबंधित विभाग सुनिश्चित करे। उन्होंने कहा कि महोत्सव से 2 दिन पूर्व तथा समापन के उपरांत स्वच्छता रैलियां नगर परिषद के माध्यम से निकाली जाएंगी जो कि एक सराहनीय प्रयास है। उन्होंने कहा कि मेले के दौरान यातायात व्यवस्था सुचारू रखने के लिए कार्य योजना तैयार की जा रही है और 3 दिन शोभा यात्रा के दौरान एक तरफा यातायात व्यवस्था शहर में रहेगी। उपायुक्त एवं अध्यक्ष शिवरात्रि महोत्सव आयोजन समिति ऋग्वेद ठाकुर ने मुख्य अतिथि का स्वागत करते हुए कहा कि महोत्सव के सफल आयोजन के लिए सभी प्रबंध किए जा रहे हैं। बैठक में नगर परिषद मंडी की नवनिर्वाचित अध्यक्षता
सुमन ठाकुर पुलिस अधीक्षक गुरदीप चंद शर्मा, अतिरिक्त उपायुक्त राघव शर्मा, अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी राजीव कुमार सहित मेला समिति के समस्त सरकारी व गैर सरकारी सदस्य भी उपस्थित रहे। आज जो बैठक हुई है उसमें निर्णय लिया गया है इस बार की शिवरात्रि जो है, क्योंकि 70 वर्ष की आजादी के उपरांत पहली बार हमारे जिले से मुख्यमंत्री बने हैं और मुख्यमंत्री बनने के उपरांत पहली शिवरात्रि होगी जिसमें कि पहली जिले में हमारे मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं। तो हमें पूरा विश्वास है कि पहली जिले जो है ऐतिहासिक जिले और उस जिले के लिए प्रशासनिक तौर पे और राजनीतिक तौर पे, सामाजिक तौर पे, धार्मिक तौर पे पूरी व्यवस्था जो है उस पर आज चर्चा हुई है और उस चर्चा में पूरी व्यवस्था की जाएगी और मुख्यमंत्री जी का जो है इसमें बहुत बड़ा मान और सम्मान किया जाएगा, उनका स्वागत किया जाएगा, स्वागत के साथ जो है जिले आगे बढ़ेगी।